स्थापित किया। बयासी साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, आज एक बहुत बड़ी क्षति सपा को हुई है, देश को हुई है, प्रदेश को हुई है मुलायम सिंह यादव के निधन से। 82 वर्ष की उम्र में आज उन्होंने 8:16 पे अंतिम सांस ली है। क्या कहेंगे आप इस पे? समाजवादी पार्टी की क्षति नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र में, एक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा अवसान है, बड़ी शून्यता है जी। और जिसकी कमी और रिक्तता शायद ही भरी जा सके जी। मुलायम सिंह यादव जी हमेशा चाहे जिन शो कर रहे हो, जब वो नेता विरोधी दल थे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या रक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमेशा भारतीय राजनीति की संवेदनशीलता कायम रखी, हमेशा विपक्ष के नेताओं की आवाज सुनी, हमेशा जो दूसरे दल थे, दूसरे नेता थे, उनकी पार्टी, उनकी बात सुनी और उनका सम्मान किया और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। निश्चित तौर से आज भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा दुखद दिन है। हम सभी काफी इस बात से दुखी हैं कि नेताजी का जाना भारतीय राजनीति में, इस समय जिस समय तानाशाही का दौर चल रहा है, राजनीति में विपक्ष को सम्मान नहीं मिल रहा, विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही, ऐसे समय में उनका जाना निश्चित तौर से बहुत दुखद है और बहुत बड़ी कमी है। हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। हाँ अंशुल जी, राजनीतिक सफर मुलायम सिंह यादव का बहुत ही संघर्षमय भी रहा है और बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं, इसीलिए उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता है। काफ़ी जमीनी नेता रहने के कारण उनको देश प्रदेश के और ग्रामीण जो इनके अपने इलाके थे वहाँ भी जनता बड़े प्रेम से उनको बहुत ही अपना अभिभावक के रूप में मानती थी। समाजवाद का एक बड़े युगांत हुआ है ये। बिल्कुल, मुलायम सिंह जी से जो उन्होंने संघर्ष करके और शुरुआत में जैसा कि मैंने उनके बारे में सुना कि जब वो लोहिया जी के साथ थे और प्रचार करते थे, उस समय अपनी साइकिल पर पंचर की जो बनाने वाली मशीन और वो पंप हवा का वो साथ लेकर चलते थे, क्योंकि उस समय दुकानें कम हुआ करती थी 60 के दशक में, और इस तरीके का उनका जो जुझारूपन था समाजवाद के प्रति, उनका जो रवैया था, और शायद इसीलिए हर एक ब्लॉक में, गांव में, जिले में सीधे वो लोगों को जानते थे, उनसे संवाद करते थे। और संगठन कैसे बनता है, जरूर सभी राजनीतिक दलों को, सभी नेताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। उनकी कमी राजनीति में, उनकी जो रिक्तता है, वो शायद ही पूरी हो पाए जी। अंशुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में शोक की लहर है, पूरे देश में शोक की लहर है मुलायम सिंह के जाने से। सबका साथ छोड़ के मुलायम सिंह आज चले गए हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता आज बहुत ही शोक में है, बहुत ही गमगीन है। मुलायम सिंह का नाम ही नहीं, उनका स्वभाव